हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल 5507 सोनिया में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज मुझे देख रहे होंगे, मैंने डाली है चॉकलेटी विद ब्लैक साड़ी न्यू, और आज भैया दौज है। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी भैया दौज, और आपकी फैमिली खुशहाल रहे, खुश रहे, मंगलमय रहे, और हर त्यौहार आपका खुशी खुशी मने। लक्ष्मी माता के आप पर खूब कृपा रहे, खूब कृपा रहे, क्योंकि सब चीज़ मैंने बार बार बोला है, सब चीज़ आज की डेट में पैसे से स्टार्ट हो जाती है और पैसे पे ही ख़त्म होती है। और दूसरी बात मेरी ये है दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ अपने गांव मचगर, और जो बल्लौड़ के पास पड़ता है। मुझे आई थिंक पता नहीं है कहाँ कहाँ के मेरे फैंस हैं जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। तो मैं आज अपने मायके जा रही हूँ और भाई दौज मनाने के लिए, और मैंने छोटी सी उनके लिए ये शॉपिंग की है, ये जो पीछे रखी है ये उनके लिए, भाई के लिए। अभी एक मिठाई का डिब्बा भी लेना पूजा के लिए, बर्फी का, और ये क्योंकि ये त्यौहार इतना प्यारा त्यौहार होता है, दिवाली, गोवर्धन और सीसा, ये इतना प्यारा होता है ना, देखना ये इतना अच्छा होता है, क्योंकि एक तो इसमें घर की साफ सफाई होती है और सजावट होती है, फल फूल माला इतनी चीजें मिलती है ना बहुत ही। और फिर मैं अब कहना चाहती हूँ दोस्तों, पैसे पे बात स्टार्ट हो रही थी तो मैंने बोला भी, कभी हमेशा बोला पैसा कुछ भी नहीं है इज्जत के सामने और भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हर इंसान सर्वाइव कर रहा है एक जरूरतों को लेके, क्योंकि जरूरतें इतनी बढ़ चुकी हैं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हर इंसान कमाए तो ही पूर्ति पड़ती है। और रही उसकी बात मर्यादा की बात, तो मर्यादा में रहना एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं अभी इसके बाद ऊपर बताऊंगी कि मर्यादा पे क्यों कहा है। तो मैंने बार बार यही बोला कि जब आप कोई काम करते हो ना, तो जजमेंट आपको ना हजारों लोग करते हैं, आपको कितने लोग करते हैं, अगर यदि आपकी वीडियो वायरल होती तो आपको खूब लोग जजमेंट करते हैं, ये आपके उसके ऊपर बात है, नेचर के ऊपर बात है कि भाई आप कितना सहन कर सकते हो। तो दोस्तों आज आप सबसे ना मैं अपने दोस्तों से सॉरी बोलना चाहती हूँ। क्यों बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं कमेंट का जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, और मैंने उस दिन भी बोला था मैं मायके का ब्लॉग बनाऊंगी, बट मैं बना नहीं पाई थी, क्योंकि हमने उन्हें बाहर से ही बस स्टैंड से ही रिसीव कर लिया था, तो हम बाहर ही चले गए थे, और अभी हम चल रहे हैं अपने मायके और खरीदेंगे मिठाई। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, माँ बाप भाई बहन ही अपने हो सकते, कोई अपना नहीं होता, आप किसी के लिए कितना ही मरपच लें, कुछ भी कर लें, कोई आपका एहसान ऐसे सब भूल जाएंगे कि आपने क्या किया था, आपने अपने हाथों से, अपने पाँव से, अपने दिमाग से उसे कितना संभाला था, कोई किसी का नहीं है। अपने माता पिता, अपने भाई बहन ही अपने होते हैं, और सोच समझ के मतलब बोला करें, रिस्पेक्ट किया करें माँ बाप को, भाई बहन को, सबको, कोशिश करें किसी का दिल ना दुखे, कोशिश ही कर सकते हैं और कुछ नहीं है, और हर कोशिश करने वालों की एक दिन कामयाबी मिल जाती है, कभी हार नहीं होती है। तो अभी चल रहे हैं हम रास्ते में, क्योंकि हम सरूरपुर पहुंच चुके हैं, ये सरूरपुर का एरिया है, ये इंडस्ट्रीज एरिया है। वैसे यहाँ पे देखो पुलिस वाले खड़े हैं, चालान काट रहे हैं, पता है टेम्पू का कट सकता है चालान, बाइक का कट सकता है चालान, ऑडी का, मर्सिडीज का, स्कॉर्पियो का, बड़ी गाड़ियों का कभी चालान नहीं कटता, कभी नहीं। देखना गरीब आदमी सर्वाइव कर रहा, जितना भी छोटा आदमी होगा ना बेचारा 10-20 हज़ार कमाने वाला, उसी को चालान पे करना है, उसी को भारत सरकार के कोटे में पैसा डालना, किसी तरीके से डाले चाहे, पर वो ही है। कुत्ता मारा हिट लग के एकदम से उधर पड़ा, एकदम से चोट लगे उसको बहुत ज़्यादा। त्योहार का दिन नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, टेम्पू वालों को, बाइक वालों को खड़ा कर लेते हैं। गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ अपने मायके, और ये मचगर गांव पड़ा है, ये अब एरिया इसमें एक्चुअली ये उसमें आ गया है नगर निगम में, तो यहाँ पे सेक्टर बन चुके हैं। सब्जी खरीद रहे, सब्जी की रेडी खड़ी हुई है,
नतीजा घर पहुंच गए हम अपने भाई दोज मनाने के लिए। फाइनली हम पहुंच गए घर पे। अभी देखते देखे क्या सिस्टम बैठता है। भाभी राम राम। कोई कुछ बोल रहा। बसंत इधर आओ बेटा एक मिनट। जूली गाइस ये जो खड़ा ना ये मेरी मौसी का लड़का है। ये न्यू कह रहा तुम पे न्योता गया है। मिन के आज तो मेरा हक है भाई दोज मनाने का। ओ हो मंजू। अरे मेरी मंजू मेरी जान मंजू। अरे बेटा तू बाबू कैसे। नमस्ते भाई। भैया देखो हम बहन बहनों ने देखो एक हमारी बहन। अरे आईफोन से भाई हमारी एक बहन है ये 100 ग्राम की है। ये मेरी चाची मेरी जान है। मैं तो कितने दिन तो देखा नहीं। बेल्ट बंद रही है। बेल्ट बंद रही है। नहीं वो तो 100 ग्राम। अब मैं आई हूँ तुम जा रही हो। रुक जाओ 2 मिनट। 2 मिनट रुक जाओ। निम्मू नमस्ते। अरे तू कहाँ कह रहा मेरे ते। ओए अरे तू कहाँ कह रहा मतलब बिना बुलाए मेहमान तो शर्म ना आ रही बहन बेटी तो कहने में। ये गाय जी से शर्म नहीं आ रही। 10 रुपया दिन। हाय निम्मू मम्मी मम्मी माँ हमारी बीमार चल रही है। मौसी हाय राम राम। भैया हमारे कुक साहब लगे हुए हैं। निर्मल अरे क्या माल बन रहा है। सोया चाप बना रहा है ये। और ये देखा इसकी ग्रेवी दिखाती हूँ। इसकी ग्रेवी का कलर देखना क्या फैंटास्टिक है। ये एक ऐसा लड़का है जो ऑयल फ्री खाना बना सकता है। और इतना टेस्ट उसमें आप बिलीव मानो मेरी कोई झूठी तारीफ नहीं है जिसमें मैं झूठी तारीफ करूँ। और क्या भाई और के माल है। अभी तो यही बन रहा है। अभी और बन रहा है। अभी तो यही बनेगा है। ओ पंखा चला दिया भाभी। गैस चल रही है। मैं नहीं जलाया क्या। आप ही जला के आए हो। हाँ तो निर्मल ने खुशबू उठा रखी है। मैं खाऊं तो समझ लेना आप भी खाओगे। चल रही है उसकी कढ़ाई। सोया चाप ये चाप बना रहा है। तो गाइज मैंने ना हैप्पी भैया दोज मनाया है अपने लाडले के साथ और ये मेरे छोटे लाडले के साथ। और इसने ना तूने कितने दिए मुझे। मैंने 2000। झूठे 2000। 1500 ना दिए बसंत इसने मुझे। 2000 रुपया गिन के 2000 इसने दिए हैं। इसकी शक्ल देखो। इसकी शक्ल देखो झूठ बोल रहा है। सच्ची सच्ची बता पैसे गिन मेरे। पैसे गिन कितने टोटली। पैसे गिन कितने। ये 3 3 1500 हो गए। हाँ। अब मतलब ये कितने हुए 3500 हुए ना। तो इसने मुझे 1500 दिए इसने मुझे 2000 दिए। तो ये छोटा इसके लिए 1500 और ये बड़ा इसलिए इसके 2000 ठीक है। तो ये मेरे कपड़े लाए पसंद है। हाँ, अच्छे हैं, बहुत अच्छे ना। हाँ। बसंत तुझे बढ़िया भाई देख तल्ले प्लीज। तेरे तो स्माइली भाई स्माइल तो हमारे सारे घर की कातिलाना स्माइल है। बहुत प्यारी स्माइल है। और हमने ऐसे मनाई अपनी भाई दोस्त। और आप सबको भी हमारी तरफ से मेरी फैमिली की तरफ से छोटी सी फैमिली की तरफ से हैप्पी भैया दोज। तो गाइज मैं फाइनली अपने घर चल दी हूँ माई कैसे। और अब मैं अपने ब्लॉग के बस यही बोलना चाहती हूँ समाप्ति करना चाहती हूँ। आपने देखा मेरी छोटी सी फैमिली को भाई बहन को और हम सबको भाभी भाभी को मम्मी को। और थैंक यू दोस्तों। और लाइक कमेंट शेयर करें और ब्लॉग को ना स्किप ना करें प्लीज़। थैंक यू बाय बाय टेक केयर।